गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोगों की ड्यूटी क्या है? देखो, जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ। कॉमन क्वेश्चन ये है कि इस सब्जेक्ट में आपकी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल इंजीनियर इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। है क्या रोल होगा आपका? आपको फ्लूइड के बारे में पढ़ना होगा। फ्लूइड में कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको बार बार देखना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है? वो है पानी, है ना। पानी है जिसको मैक्सिमम टाइप पर आपको संभालना पड़ता है। ठीक है, तो पानी से रिलेटेड हम यहाँ पर इंजीनियरिंग बिहेवियर हम पढ़ने वाले हैं, है ना, कि पानी से रिलेटेड इंजीनियरिंग बिहेवियर क्या है। जब फ्लूइड फ्लो करता है, जैसे सोइल के अंदर तो सीपेज होता है ना, सोइल के अंदर पानी सीपेज करते हुए जाता है। हाइड्रोलॉजी में आप वाटर के बारे में पढ़ते हैं और वाटर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, हाइड्रोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि पानी आ कहाँ से रहा है और पानी कहाँ जाएगा, है ना, किस तरीके से वो जाएगा। तो वो अलग डिपार्टमेंट है, वो हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हम तीन पार्ट के अंदर पूरी एफएम को पढ़ते हैं। ठीक है, तीन पार्ट के अंदर, पहली है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग कवर करते हैं कि जब पानी रुका हुआ है तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे फोर्सेस लगाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद में हम लोग मोशन की बात करेंगे कि जब फ्लो होता है, एक तो रुका हुआ पानी और दूसरा क्या है, मोशन में। तो जब फ्लूइड मोशन में होगा, यानी कि पानी जब बह रहा होगा, तो उस समय उसके पास क्या क्या होगा? उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यानी कि मोशन से रिलेटेड चीजें जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हमारे पास में फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स देता है ना। मोशन से रिलेटेड यदि आप पढ़ रहे हो एफएम को, तो फ्लूइड स्टैटिक्स तो आपका रुके हुए पानी का था, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, बहते हुए पानी के ऊपर स्टडी है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब मोशन में फ्लूइड रहता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, इस तरीके की बातें हम कहाँ करते हैं? फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं। और जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स में जाते हैं तो डायनेमिक्स का मतलब होता है फोर्सेस की स्टडी, यानी कि जब फ्लूइड बहता हुआ पानी जब किसी चीज से टकराएगा तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, कितना वहां पर फोर्सेस वगैरह होंगे, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। इसके बाद में जब पूरा एफएम खत्म हो जाएगा तो हम लोग ओपन चैनल फ्लो देखेंगे, है ना। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है, वो भी फ्लूइड से रिलेटेड चीज है। तो हाइड्रोलिक मशीन्स में हम लोग मशीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो तरीके की हाइड्रोलिक मशीन्स होती है, एक तो वो जो कि आपका टर्बाइन है और दूसरा वो जो कि आपका मोटर है, जैसे पंप है, है ना। तो इस तरीके की डिवाइसेस हम देखेंगे, वो हमारा एचएम वाला पार्ट होगा, है ना। तो स्टार्ट जब हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो स्टैटिक्स वाले पार्ट में हम लोग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, है ना। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, पानी में अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज की बात करो तो क्या क्या आप बिहेवियर देखोगे वहां पर? आप देखोगे कि उसका यूनिट वेट कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, है ना। मटेरियल की, फ्लूइड की, डिफरेंट फ्लूइड्स की हम बात करेंगे तो मटेरियल में हम लोग, फ्लूइड मटेरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह कितना रहता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो नोट करें आप जरा, पहला जो आपका पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट करो, द फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, द फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, द फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। द फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। एंड वॉट इज फ्लूइड? सिर्फ लिक्विड या गैस भी होता है? दोनों। तो ब्रैकेट में लिख दो, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड मींस लिक्विड एंड गैसेस बोथ, ठीक है, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। तो दो तरीके से यहां पर स्टडी की जाएगी, है ना। एफएम में जब आप स्टडी करने जाएंगे तो बेसिकली आप बोलेंगे कि यहां पर आपका जो फ्लूइड है वो फ्लूइड स्टैटिक्स आप वहां पर देखेंगे, यानी कि रुका हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे कि एट रेस्ट कंडीशन यहां पर है,
इसके अलावा हम देखेंगे कि जब मोशन में होगा, यानी कि जब बहरा होगा, तो उस समय जब आप एनालिसिस करते हैं, तो मोशन में जब एनालिसिस करते हैं तो दो तरीके से बिहेवियर हम स्टडी करेंगे वहां पर। एक होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स और दूसरा होगा फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में मैंने क्या बताया आपको, हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, कुछ फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे वहां पर, स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, है ना। इसके अलावा डायनेमिक्स में हम फोर्सेस की स्टडी करेंगे, जैसे आपके विस्कस फोर्सेस कितने लगते हैं, टर्बुलेंट फोर्सेस वगैरह क्या होते हैं, है ना, रेनॉल्ड्स का जो मोशन लॉ होता है वो यहाँ पर निकल करके आएगा। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ना। तो स्टार्ट हम इस टॉपिक से करेंगे। सबसे पहला टॉपिक फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि जैसे फ्लूइड में मोस्ट ऑफ द टाइम आप पानी लोगे, ठीक है, क्योंकि पानी के बिहेवियर को आपको देखना होगा। जैसे डैम है, डैम के अंदर क्या चीज स्टोर रहती है, वाटर स्टोर रहता है, तो जो स्टोर्ड वाटर है वो लगातार फोर्स लगा रहा होता है, आपको डैम तक भी जाने की जरूरत नहीं है। फ्लूइड एट रेस्ट कहाँ पर है, आपके घरों में पानी की टंकी, जो ऊपर टंकी रखी हुई है, तो वहां पर जो पानी की टंकी में जो पानी है वो एट रेस्ट है क्या, रेस्ट कंडीशन पर है। अब रेस्ट कंडीशन पर क्या वो पानी की दीवार, जो टंकी की दीवारें हैं उस पर फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो उसका बिहेवियर हम एट रेस्ट कंडीशन में देखेंगे, है ना। तो ये आप बनाओ। FM के अंदर बेसिकली ये तीन पार्ट में FM हम स्टडी करेंगे। कंप्लीट FM जब आपकी होगी तब डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स आप स्टडी कर चुके होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये फ्लो चार्ट बनाओ कि FM के अंदर हम स्टैटिक्स में फ्लूइड को देखेंगे, मोशन के अंदर देखेंगे, मोशन में फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स होगा। अब जो चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उनको लिख भी लो। देखो FM एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम पूरी इंजीनियरिंग के अंदर जो मैथ्स और फिजिक्स यूज होती है ना, उसको हम समझेंगे बड़े अच्छे से, क्योंकि यहाँ समझने वाले टॉपिक्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, मोमेंटम इक्वेशन वगैरह, है ना, एनर्जी इक्वेशन वगैरह, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लगाओगे, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बारीकी से आपको समझने का मौका मिलेगा, है ना। तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एफएम को, ठीक है। तो नोट करो, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट क्या कहलाता है, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। तो नोट करो, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स। और काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस किस बात का है, डायनेमिक्स में हम फोर्सेस भी स्टडी करेंगे, है ना। तो नोट करो, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड, द स्टडी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन वेयर द प्रेशर फोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड, मोशन में और प्रेशर फोर्सेज नहीं कंसिडर कर रहे हैं आप, तो वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। एंड द प्रेशर फोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। समझ गए, फ्लूइड मोशन में है तो दो बिहेवियर, दो पार्ट्स में हम इसका बिहेवियर स्टडी करेंगे, एक तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग प्रेशर को कंसिडर नहीं करेंगे, प्रेशर फोर्सेस को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो नोट करो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, एंड इफ द प्रेशर फोर्सेज आर ऑल्सो कंसिडर्ड, एंड इफ द प्रेशर फोर्सेज are also considered, and if the pressure forces are also considered for the fluid in motion, and if the pressure forces are also considered for the fluid in motion, then ye kya kehlayega, fluid dynamics. Then the branch of science is called the fluid dynamics. Note करो, properties of the fluid. सबसे पहला टॉपिक, सबसे बेसिक टॉपिक, properties of the fluid. तो पहली जो यहां पर टर्म आ रही है वो है डेंसिटी, ठीक है। प्रॉपर्टीज के अंदर जो पहली टर्म है वो आप नोट कर लो, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी कह सकते हैं इसको, या फिर आप मास डेंसिटी कह सकते हैं, है ना। तो मास वर्ड लगा दें आगे, ठीक है। तो ये मास डेंसिटी या फिर सिर्फ डेंसिटी कहलाएगा। तो आप सिर्फ डेंसिटी लिखते हो तो उसका मतलब मास डेंसिटी होता है,
ठीक है, डेंसिटी में वेट डेंसिटी भी निकालते हैं आप, ठीक है, तो मास डेंसिटी। तो जब जब भी मैं ब्रैकेट में लिखूं नाम को, तो आप समझ जाना कि अगर ये शब्द लिखा है तो भी ठीक और नहीं लिखा है तो भी ठीक, ठीक है। तो मास डेंसिटी या फिर मास ब्रैकेट में है डेंसिटी, ये मेरा लिखने का तरीका है ना, कि अगर मेरे किसी शब्द को ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि अगर वो नाम नहीं दिया जाए, जैसे विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी आपके दो तरीके की होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अगर सिर्फ विस्कोसिटी बोलते हैं तो उसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, ठीक है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए काइनेमेटिक वर्ड लगाना जरूरी होता है। बात समझ में आ गई? तो जब जब भी मैं पूरी इंजीनियरिंग, पूरी सिविल के अंदर जब जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, तो आप समझ जाना कि इसको सिर्फ डेंसिटी भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप मास डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, बताओ जरा, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर आपको कोई वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है, समझो जरा, जैसे मेरे पास में कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इसकी जो जगह है वो फिक्स है, कि इसके पास में जो जगह है कि कितनी चीज इसमें समा सकती है, वो जगह फिक्स है इसके अंदर, है ना। अब इसमें मैं ऑयल भर सकता हूँ, इसमें मैं पानी भर सकता हूँ, इसमें मैं हनी भर सकता हूँ, लेकिन सबका जो यहां पर जब वॉल्यूम पूरा का पूरा जब मैं इसको भर दूंगा तो सबका मास अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मटेरियल में हर एक मटेरियल के अंदर जो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, पर यूनिट गिवन वॉल्यूम में कितना मास वो ऑक्यूपाई कर सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है ना। तो नोट करेंगे आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब यहां पर ये है कि गिवन वॉल्यूम में कितना मास वहां पर होगा, और मास लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या, अगर यूनिट बोले तो आप, व्हाट इज द यूनिट, आप बोल सकते हैं दिस इज इन किलोग्राम एंड दिस इज इन मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोल सकते हैं, या फिर अगर आपने सीजीएस में डाला तो ग्राम में, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेंसिटी, नोट करें आप। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज द मास रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, और इसकी यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर आप एमकेएस में चले तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर आप सीजीएस में चले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजीएस और एमकेएस, एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, और सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड्स, है ना। जनरली आप एमकेएस में, सीजीएस में या एसआई यूनिट्स में आप काम करते हैं, एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है ना, तो उसके बेसिस पर हम काम करते हैं। तो इसकी जो यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो एमकेएस यूनिट हो गई, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये सीजीएस यूनिट हो गई, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर आपका लिक्विड वाटर है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, बताओ जरा, 1000, व्हाट 1000, 1000 है केजी पर मीटर क्यूब। अगर आप कन्वर्जन करें तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, बताओ जरा, यहां पर केजी को अगर ग्राम में चेंज करें तो 10^3 ग्राम, और मीटर क्यूब को अगर आप सेंटीमीटर में यदि आप कन्वर्ट करें तो 10^2 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा करो हमेशा आप, है ना। मीटर की जगह पर मैं सेंटीमीटर रख रहा हूं, ठीक है, बाद में इसका क्या कर देंगे, यहां पर क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो मीटर लिखा हुआ था अंदर, उसको मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, फिर इसका क्यूब था तो क्यूब लगा दिया, ठीक है। तो यहां से अगर आपको दिख रहा होगा 10^6 ये हो गया, और ऊपर भी 10^6 बना, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वाटर की सीजीएस में डेंसिटी आ गई। वाटर की जो डेंसिटी है सीजीएस यूनिट में, वो आपके कितनी आ गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गई। देखो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलो, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बोल दिया है, एफएम पूरी सिविल के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको फिजिक्स और मैथ्स से समझ में आएगी बहुत सारी, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह के साथ हम खेलेंगे, तो आपको जितनी मैथ्स की जरूरत है ना, वो तो मैथ्स से सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं सारी मैथ्स से सिखा करके चलूंगा आपको, तो आप लोग ध्यान से समझते हुए चलो। मुझे एक चीज बताओ, अगर डेंसिटी ऑफ मर्करी की बात करें तो वो पता है क्या आप लोगों को, कितनी होती है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी, 13600, है ना, किस यूनिट में, हाँ 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लो। तो अगर आप मर्करी की डेंसिटी यदि आप देखें तो वो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बोले तो 13.6 हो गया। पूरी एफएम के अंदर ये दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जब भी कोई प्रॉपर्टीज आए तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना। प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इस टेम्परेचर पर इतना, कुछ कुछ डेटा आप याद रखना,